हिम्मत तुमने हमारे क्या हुआ? पता नहीं इसने हमारे पति के साथ क्या किया है? क्या किया है? क्या किया है सम्राट ने? मम्मी इसने शौरी को जाकर कहा कि शौरी मरने वाला है, अगर ये नहीं बचेगा तो शौरी मर जाएगा। इसने हमारे बच्चे को पूरी तरीके से डरा दिया है, डाल में तो छोड़ेगी नहीं। शांत हो जाओ प्लीज। कैसे शांत हो जाओ बेटा? मैं हमारे बच्चे तक को नहीं डरा। हमारा बच्चा हमसे पूछ रहा है कि मम्मी मैं मरने वाला हूँ, तुझे क्या हुआ है मम्मी? अब उसे क्या जवाब दे? ईश्वर तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारे बच्चे तक को नहीं छोड़ा। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। प्लीज मैं जा रहा हूँ। उर्मी चलो यहाँ से। कोशिश करो, एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है इस बात को एक्सेप्ट करना कि उसके बच्चे को कैंसर है। एक और रिक्वेस्ट है तुमसे कि प्लीज शौर्य के साथ ऐसी बातें मत करो, अगर वो डर गया तो उसे संभालना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। तुम सब लोग शौर्य की हेल्थ को लेकर बहुत परेशान है, बहुत कंसर्न है। प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूँ तुमसे कि शौर्य को 30 बख्श दो, वो बहुत बीमार है सम्राट। देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी हुआ यहाँ पर तुम उसको अपने मन में बिठा कर कोई गलत फैसला नहीं लो। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी, पर ये वक्त समझदारी और पेशेंस से काम लेने का है। तुम सम्राट को अच्छी तरह से जानती हो, अगर उसका दिमाग खराब हो गया और उसे तुम्हें मना कर दिया तो इस वक्त तुम्हें सम्राट की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं मानती हूँ नहीं कि सम्राट ने जो कुछ भी किया वो गलत है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस तरह रिएक्ट करने से नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा, तुम समझ रही हो ना? मम्मी ईशान, मैं उर्मी को यही समझा रही थी कि इस वक्त समझदारी और पेशेंट से काम लेना बहुत जरूरी है, वरना प्लीज तुम जाकर संभालो, उसे बहुत डिस्टर्ब है। ईशान आई एम रियली सॉरी। हम जानते हैं हमें सम्राट को मारना नहीं चाहिए था, पर जिस तरह से उसने शौर्य के बारे में बात की हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। ईशान को इस तरह से हमारे बच्चे के बारे में नहीं बोल सकता। मैं समझता हूँ, पर तुम इस बात को समझो कि आज हमें सम्राट की बहुत जरूरत है। इस तरह की कोई भी हरकत बहुत महंगी पड़ सकती है हमें। उनमें वो भड़क जाएगा, तुम जानती हो, उसे सिर्फ एक मौका चाहिए हमें परेशान करने का, हमारी मदद ना करने का। जानते हैं ईशान, लेकिन जो सम्राट नहीं उर्मी, मत भूलो कि शौर्य हमारी टॉप प्रायोरिटी है, राइट? शौर्य किसी भी कीमत पे कुछ भी करके हमें शौर्य को बचाना है। सम्राट कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईशान तुम्हारी सम्राट से क्या बात हुई? मान तो जाएगा ना, मना नहीं करेगा ना? वो मान जाएगा ना वो? ईशान ईशान तुम्हारी क्या बात हुई बताओ ना यार। तुया कितनी हिम्मत, मुझे थप्पड़ मार दिया उसने सम्राट सिंह राठौड़ को, बता। और मैं बता रहा हूँ, मैं ना आपकी वजह से रुक गया, वरना मैच हलाल कर दिया था तुया को। मैं बता सम्राट, रिलैक्स, कुछ सोचा तुमने आगे क्या करने वाले हैं? अरे आप देखते जाइए मैं क्या करता हूँ। मैं उसकी पूरा चाहती ना कि मैं काम करूँ उसका, वो तो होने से लाभ ये तय है। उसका कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। फिर मैं देखता हूँ क्या करती है वो, बाकी सब भी क्या करने का देख लेता मैं। आज मरेगा उसका बच्चा, उसकी मौत की जिम्मेदार होगी खुद वो, और वो खुद उर्मी वस्तुई है। अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी उसने। ये सनकी आदमी अगर उर्मी की बात नहीं मानेगा तो मेरा मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा।
सम्राट तुम पागल हो गए क्या? तुम ऐसे नहीं कर सकते। अरे कह सकता है, क्या नहीं कर सकता? मैं हर चीज कर सकता हूँ भाई साहब। सम्राट सिंह राठौड़ नाम है मेरा, ओके? अपने दिल का राजा हूँ मैं, जो मर्जी आएगा करूंगा मैं, ओके? हाँ लेकिन ऐसे तो हमारा प्लान चौपट हो जाए। यार मैं क्या प्लान यार प्लांटन लगा के, अब तो अपनी का देखो अपना देखो यार, मैं थप्पड़ मार के चले गई प्लांटन की लगी पर। तो जो करना करिए अपने प्लान के साथ, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे खरीद नहीं लिया, ओके? सम्राट दिमाग को शांत रखो, समझदारी से काम लो। तुम उर्मी से बदला लेना चाहते हो? अरे लूंगा बदला, देखिए बदला लूंगा मैं। हाँ, देखो ऑफ कोर्स लो। देखिए बाप, तो उससे बदला लेने का अच्छा तरीका तो ये है कि उसकी बात मानकर उससे बदला लो। उसकी बात मानकर तो तुम उसकी जिंदगी तबाह कर सकते हो, उसकी खुशियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो, है ना? इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है सम्राट? तुमने तो कहा था सपेरा नागिन मजे लो, तुम मजे लो ना, अपनी ईगो के चक्कर में सब कुछ क्यों बर्बाद कर रहे हो? का जवाब तुम उसे दे के रहूंगा सासु मम्मा, ये तय है, फिर इससे आपका प्लान बच जाएगा, बर्बाद हो। I don't care. कहा है सबको नीचे बुलाओ। अरे उर्मी, ईशान, शौर्य, तानी, दामिनी, एवरीबॉडी प्लीज कम डाउन। हेलो, नमस्ते मामी जी, हाउ इज ऑल वेल? वेल मेरा मतलब वेल। कम 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 फास्ट। जीजा जी क्या हो रहा है ये सब? और ये अरे, इतना सारा सामान है, खाने पीने का सामान। चलो चलो जाओ अंदर को। जी जाओ, आने दो सबको, सब बताते हैं। हे भाभी, हे गौरव भैया। हाय चीकू। भैया भाभी आप क्या बात है, अब एवरीवन्स हियर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्या बात है अनिरुद्ध, सबको आपने इस तरह यूं बुलाया? ओके अटेंशन एवरीबॉडी, हमने आज एक हाउस पार्टी करने का प्लान किया है। हाउस पार्टी यानी कि हम सब लोग मिलकर म्यूजिक सुनेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और गर्मा गर्म पिज्जा खाएंगे, यानी कि फुल ऑन मस्ती। और फैमिली के सब लोग मिलजुल कर एक गेम भी खेलेंगे, इसलिए तो गौरव, आशा और चीकू को साथ लेकर आए हम। वाओ पापा, आज ना आपको बहुत मजा आएगा और ना हम वो गेम भी खेलेंगे, पासिंग द पजल। बचपन में जैसे खेलते थे वैसा ही मजा आएगा, है ना? यस ऑफ कोर्स। शौर्य कहाँ है भाई? शौर्य नजर नहीं आ रहा। उर्मी जाके ऊपर से शौर्य को लेकर आओ। He will absolutely enjoy this. भाभी, आप यहाँ पे रहिए, मैं जाके बुला के लेके आती हूँ। चलो बैठो। भाई तैयारी शुरू करो, वो म्यूजिक सिस्टम ले आओ फटाफट। सम्राट क्या हुआ? तुम्हारा मुंह इतना लटका हुआ क्यों है? ऐसे ही बेबी डॉल, थोड़ा सर दर्द है। पर अभी ठीक है, मैं बताऊं। एक बहुत बड़ी सरदर्दी खत्म हो गई है। मतलब? थे कुछ इश्यूज थे जो बॉदर कर रहे थे, लेकिन अभी सब खत्म। सब खत्म। All is well now. चलो अच्छा, अब सब ठीक है ना? तो बस हम सबके साथ गेम खेलो और एंजॉय करो, हैव फन ना? जाओ तुम बैठो। हाँ मैं, तुम भी आओ। हाँ मैं आ रहा हूँ। सब खत्म। ये किस खुशी में इतना तामझाम हो रहा है? अरे भाई, शौर्य का मन बदलने के लिए, घर का माहौल ना बहुत बुझिल हो गया है, तो इसलिए थोड़ा हल्का करने के लिए ये सब ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा, वाह, क्या आइडिया निकाला है आपने। काम धाम छोड़ के अब यही सब करो आप। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट द गेम। पहले मैं आपको गेम समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी गेम है। हम लोग म्यूजिक ऑन करेंगे
और ये वाला तकिया सबको पास करते जाएंगे। म्यूजिक बंद होने पर वो तकिया जिसके पास रह जाएगा वो आउट हो जाएगा और उसे सजा मिलेगी, और पनिशमेंट के तौर पर उसे वही करना होगा जो हमारा शौर्य बेटा उसे करने के लिए कहेगा। वाह सही है दोस्त ये। रानी म्यूजिक चलाई। अरे क्या कर रही हो क्या? देखो ऐसा नहीं, कुछ और बोलो ना। नहीं नहीं मामा ऐसा नहीं चलेगा। काय चेंज करें। नहीं सॉरी, तुम यही पनिशमेंट दो हमें। आपने तो कभी हमें प्रपोज किया नहीं, अब आज हमें मौका मिला है प्रपोज करने का, तो हम कर देते हैं ना। ये हुई ना बात मामी। आइए मैं भी आऊँ। हाँ, तो हम किसको प्रपोज करेंगे? बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी सी बातें तो होती रहती। घर की आप नहीं समझे कुछ कुछ होता है। आई लव यू। चलो म्यूजिक। तकिया फेंको। गवाना नहीं है। हाँ टफ देना टफ। हाँ मामा। हाँ मामी को ना गाना गाना पड़ेगा। क्या? एक मिनट एक मिनट संध्या, जब शौर्य ने आपको गाने के लिए बोला है तो कुछ तो सुनाना पड़ेगा ही भाई। कम ऑन स्टार्ट स्टार्ट, नो चीटिंग। अच्छा तो मैं गा देती हूँ, आप लोग अपना अपना बंदोबस्त कर लो। हैं दीदी आपके लिए और आप सभी के लिए ये गाना मेरी तरफ। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग तो दिल में ढल जाएगा। संभल के। गोरे रंग पे ताली तो बजाइए। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में चल जाएगा। बस बस बस। चलो रानी म्यूजिक ऑन। दादू दीजिए। आउट आउट पापा आउट। ईशान पापा आपको मम्मा के साथ डांस करना होगा। ओके डन। सॉरी बेटा कुछ और करवा लो, डांस नहीं प्लीज। नहीं मम्मा आप और पापा को डांस करना ही होगा, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। बिल्कुल सही शोर। प्लीज शौर्य। मामा प्लीज
हाँ उर्मी, कम ऑन कम ऑन। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। दीदी, ये इन दोनों के बीच में कैसा प्यार है, टूटता ही नहीं है। तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी। अब तुम लिखो कुछ चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी। चलो भाई रानी, म्यूजिक ऑन। बोलो शौर्य बेटा, हमें क्या करना है? वो दादू, आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, वो भी सही सही। ऑफ कोर्स शौर्य, बिल्कुल सही जवाब देंगे। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? क्या मैं मरने वाला हूँ? सॉरी बेटा, ये किसने कहा तुमसे? तुम कोई ऊपर जुशुम जुशुम वाली वीडियो गेम खेल रही थी क्या? हाँ? नहीं दादू, आप मुझसे सच कहिए कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हुई है ना? Of course not, Shaurya. तुम्हें तो मामूली सा जुकाम और बुखार ही तो हुआ है, और जुकाम बुखार किसे नहीं होता। तुम देखना, तुम एकदम से बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सच्ची वाला सच ना दोस्त? एकदम सच्ची मुच्ची वाला सच। तुम्हें अपने दोस्त पर पूरा ट्रस्ट है ना? हाँ, पूरा ट्रस्ट है। तो फिर एकदम से मस्त हो जाओ। तुम्हारे दादू मामा पापा के होते हुए तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता, और आज के बाद मरने वाली बात कभी नहीं करेगा मेरा दोस्त। ओके ओके, आई लव यू दोस्त। आई लव यू शौर्य बेटा। अभी आप लेटो बेटा, मम्मू अभी आपके लिए दूध लेकर आए। ओके मामा, पर जल्दी लाना। ओके, गुड बॉय, चल आ जाओ। शाबाश, गुड बॉय। जल्दी लेकर आते। ओके। मेरी बेबी डॉल, तुम अब ये नींद की दवा वाला दूध पीना और आराम से सो जाना। 12 घंटे नो डिस्टर्बेंस। तो बहुत सारा काम है मुझे, बेताल की तरह मेरे कंधे पर सवार होने की जरूरत नहीं है 24 घंटे। अरे पूरी नींद लो, स्वस्थ रहो, पुष्ट पुष्ट रहो। सम्राट, अच्छा हुआ तुम मिल गए, हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। एक मिनट, क्या बात करनी? माफी मांगनी है? इतनी औकात है आपकी और क्या? पहले तुमको फिर चाटूंगा। तो सम्राट प्लीज बात। देखिए ऐसा है मदर मैडम, ना मैं आसानी से आपकी बात सुनने वाला हूँ, ना आपको माफी मिलने वाली है। सम्राट, अरे आप अपना क्या, मेरा थूका हुआ चाटेंगे तो भी माफी नहीं मिलेगी आपको। अरे आपके साथ मैं, सम्राट हमने जो भी किया उसके लिए, सुनिए मेरी बात। अगर आपको माफी मांगने का इतना शौक है तो चलिए काम करिए, फिर आज रात ठीक 12 बजे टेरेस पे मिले मुझे।
अब वही होगा आपका हिसाब किताब। टेरेस पे क्यों? माफी चाहिए ना? चाहिए नहीं चाहिए? अब तो वही बात होगी जब आधी रात होगी। टेरेस पे आइएगा जरूर।